हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये बात करेंगे कि कीबोर्ड में जो सिंक बटन दिया होता है, जैसे यहाँ पर कोर के कीबोर्ड में बटन का नाम है सिंक्रो, तो इस बटन को आप किस तरह से बेस्ट यूज़ कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस में। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है सिंक्रो, लेफ्ट में स्टार्ट लिखा है और राइट में स्टॉप लिखा हुआ है। अगर इस बटन को आप एक बार प्रेस करते हैं तो ये स्टार्ट लाइट आपकी ब्लिंक करेगी। सेकेंड टाइम प्रेस करते हैं तो स्टार्ट लाइट ब्लिंक करेगी और स्टॉप लाइट भी ग्लो करेगी। थर्ड टाइम प्रेस करते हैं तो सिर्फ स्टॉप लाइट इसकी ग्लो करेगी, और उसके बाद अगर आप फिर से प्रेस करते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स सिंक फंक्शन इसका ऑफ हो जाएगा। तो अब हम ये देखेंगे फ्रेंड्स कि इस फंक्शन को, आई मीन सिंक फंक्शन को, हम कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टाइल प्लेइंग के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, गुलाबी आँखें, और इसको मैं विदाउट सिंक यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट नॉर्मल प्ले कर रहा हूँ। देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमें स्टाइल स्टार्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर स्टार्ट बटन को प्रेस करना पड़ा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे ही कॉर्ड लें लेफ्ट हैंड से, ऑटोमेटिकली आपकी स्टाइल प्ले होने लगे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंक फंक्शन। देखिए यहाँ पर मैं सिंक बटन को एक बार प्रेस करता हूँ, अब मैं सिर्फ कॉर्ड लूँगा लेफ्ट हैंड से और स्टाइल अपने आप प्ले हो जाएगी। देखिए, ये देखिए आप, मुझे स्टार्ट बटन को प्रेस नहीं करना। तो इस तरह आपने देखा कि सिर्फ मैंने लेफ्ट हैंड से कॉर्ड लिया और आपकी स्टाइल ऑटोमेटिकली प्ले होने लगी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सिंक फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर मैं सिंक फंक्शन को सेकेंड टाइम प्रेस करता हूँ, अब देखिएगा आप क्या होता है। मैंने कॉर्ड लिया, स्टाइल स्टार्ट हो गई। जैसे ही मैंने लेफ्ट हैंड हटाया और स्टाइल स्टॉप हो गई, मैं कॉर्ड लेता हूँ, स्टाइल स्टार्ट होती है, हाथ हटाता हूँ, स्टाइल स्टॉप हो जाती है। आप देख रहे हैं, ये देखिए, कॉर्ड लिया, स्टाइल स्टार्ट। जैसे मैं कॉर्ड ले रहा हूं, स्टाइल स्टार्ट हो रही है, मैं हाथ हटा रहा हूं, आपकी स्टाइल स्टॉप हो रही है। अब अगर आप यहां पर चाहते हैं कि आपकी स्टाइल प्ले होती रहे, तो आपको थोड़ा टेक्निक से प्ले करना पड़ेगा, आपको अपनी फिंगर्स को लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। देखिए देखिए, मैं अपनी फिंगर लिफ्ट नहीं कर रहा हूँ और कॉर्ड को चेंज कर रहा हूँ, तो देखिए इस तरह से स्टाइल आपकी स्टॉप नहीं हो रही है। फर्स्ट टाइम कॉर्ड लेने पर स्टार्ट हो जाएगी और स्टाइल आपकी यहाँ पर स्टॉप नहीं हो रही, बिकॉज मैं यहाँ पर अपनी फिंगर्स को मूव नहीं कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर थर्ड टाइम प्रेस करता हूँ सिंक बटन को, तब देखिए क्या होता है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कॉर्ड लेने पे स्टाइल ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं हुई, मुझे मैन्युअली स्टार्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही मैंने कॉर्ड से हाथ हटाया, स्टाइल आपकी स्टॉप हो गई। फिर से देखिए, स्टाइल को मैं मैन्युअली स्टार्ट करता हूँ और जैसे ही मैंने कॉर्ड से हाथ हटाया, स्टाइल ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई। आई मीन आपकी स्टाइल, जैसे ही आप कॉर्ड से हाथ हटाएंगे, स्टाइल ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। तो अब अगर आप फ्रेंड्स चाहते हैं कि स्टाइल आपकी कंटिन्यूसली प्ले होती रहे, तो आपको यहाँ पर टेक्निक से प्ले करना पड़ेगा। देखिए, मैं फिंगर्स को लिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, तो कॉर्ड आपकी प्ले हो रही है और स्टाइल आपकी स्टॉप नहीं हो रही है, तो इस तरह से आपको प्ले करना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे ही आपने कॉर्ड से हाथ हटाएंगे, आपकी स्टाइल स्टॉप हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा कि हम सिंक फंक्शंस को थ्री मोड्स में यूज़ कर सकते हैं।
फर्स्ट टाइम प्रेस किया, सेकंड टाइम प्रेस किया एंड थर्ड टाइम प्रेस किया। अब ये डिपेंड करता है आपके सॉन्ग की और परफॉर्मेंस की या प्लेइंग की रिक्वायरमेंट पे कि आप इसको किस तरह से इसका बेस्ट यूज़ लेना चाहते हैं। देखिए फिर से देखिए, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, ये तीन मोड हैं आपके सिंक फंक्शन के और ये फाइनली ये स्टॉप हो गया, डिफ़ॉल्ट मोड में आ गया। तो फ्रेंड्स होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सिंक फंक्शन इज़ अ वेरी पावरफुल फीचर। इसको आप अगर अपनी प्लेइंग में यूज़ करेंगे तो आपके दोनों हैंड फ्री रहेंगे, आपका लेफ्ट हैंड भी फ्री रहेगा और इस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को आप और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।